अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ फंजाई। सो डिजीजेस ऑफ, फर्स्टली आई विल टीच यू डिजीजेस ऑफ ह्यूमंस, मतलब कि कौन सी डिजीजेस होती हैं जो फंजाई के थ्रू ह्यूमन में होती हैं। द कॉमन फंगल इन्फेक्शंस आर स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्टेड एज वेल। लेकिन जो है ज़्यादातर जो देखते हैं ना आप लोग खुद ऐसा देखते हैं कि कभी नेल्स में फंगस हो जाता है, स्किन फंगस हो जाता है, तो डिफरेंट फंगस हो जाते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं फंजाई। ज़रूरी नहीं है जो सिर्फ जो है स्किन को ही इन्फेक्ट करे, दूसरे पार्ट्स को भी जो है फंजाई इन्फेक्ट कर सकता है। ह्यूमन बॉडी फुलफिल्ड ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, वाटर, और फिर ये साइड देखें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बताया ही है, ठीक है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द फंजाई। और यही सारी नीड किसको होती है, फंजाई को होती है, जो कि ह्यूमन को होती है। बिकॉज ऑफ डेट फंजाई ग्रो बेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, इसी वजह से वो जो है ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर जाती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। सम स्पीशीज माइकोर एंड राइजोपस इन्फेक्टिंग लंग्स, ब्रेन एंड गैस्ट्रिक टिश्यूज, वियर एज न्यूरोस्पोरा एंड फ्यूसीरम इन्फेक्ट द कोरल टिश्यू ऑफ आइस। तो ये कोरल टिश्यू जो होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं न्यूरोस्पोरा और फ्यूसीरम, और जो माइकोर की और राइजोपस की स्पीशीज होती हैं वो किसको इन्फेक्ट करती हैं, लंग्स और ब्रेन को, और जो गैस्ट्रिक टिश्यू होते हैं उसको इन्फेक्ट करती हैं। अब हिस्टोप्लाज्मा इन्फेक्ट द लंग्स, लीवर, किडनी एंड नर्वस सिस्टम। और हिस्टोप्लाज्मा जो होता है ये भी फंजाई है जो किसको इन्फेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को, लंग्स को, लीवर को और किडनी को। एस्परजिलस इन्फेक्ट द लंग्स एंड नेजल साइनेसिस। जो एस्परजिलस है वो किसको इन्फेक्ट करेगी, लंग्स को, नेजल साइनेसिस जो होती है उसको इन्फेक्ट करती है एस्परजिलस। डर्मोफाइट्स जो डर्मोफाइट्स होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज स्किन इन्फेक्शन। ये मोस्टली जो है डर्मोफाइट्स क्या कहलाते हैं, स्किन इन्फेक्शन को करवाते हैं, जैसे कि ट्राइकोफाइकोन एंड कैंडिडा। ये दोनों स्पीशीज़ होती हैं इसकी डर्मोफाइट्स में, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, स्किन डिजीज़ के लिए, स्किन इन्फेक्शन के लिए। डिजीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड पैट्स। पैट्स और वाइल्ड एनिमल में कौन कौन सी डिजीज होती हैं फंगल के थ्रू, द फंगल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन इन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में और डोमेस्टिक एनिमल्स में जो डिजीज होती हैं ज़्यादातर वो फंगल की वजह से होती हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि हम घरों में भी पालते हैं, ठीक है, जिसको हम पैट्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ केसेस आर रिपोर्टेड इन एनिमल्स सच एज एस्परजिलस, कैंडिडोसिस, फाइकोसिस, राइनो स्पोरोडोसिस। तो ये सारी जो है सारी डिजीजेस किसकी वजह से हो रही हैं, सीसीस का मतलब देखें माइकोसिस, एक वर्ड होता है माइकोसिस। माइकोसिस की मीनिंग ही होती है कि वो डिजीजेस, उस डिजीज़ का नाम जो कि फंजाई से हो रही है, यानी कि माइकोसिस की अगर आप कहीं पर भी एक टर्म देखें और उसके लास्ट में आप सिस देखें, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि ये कोई डिजीज़ है जो किसकी वजह से हो रही है, जो फंजाई की वजह से हो रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पॉलिश ऑफ फूड एंड स्टोर्ड ग्रेन्स। जो फूड जो होता है जो हम खाते हैं उसको ख़राब होना, उसका गलना सड़ना, और स्टोर्ड जो ग्रेन्स होती हैं उसमें फंजाई किस तरह लग जाती हैं। कॉमन फूड स्पॉइलिंग फंजाई आर एस्परजिलस, जो ज़्यादातर जो फंजाई होती हैं जो स्पॉइल करती हैं फूड को, दैट इज़ कॉल्ड एस्परजिलस, राइजोपर्स, माइकोर एंड पेनिसिलियम। सम फंजाई इन्फेक्ट द फूड इवन एट वेरी लो टेम्परेचर, कैलेटोस्पेरियम हर्बिसियम, ग्रो ऑन मीट स्टोर्ड एट 6 सेंटीग्रेड एंड 4 सेंटीग्रेड एट ग्रोस प्रोफीसली, यानी कि जो हम फ्रीज करके रखते हैं सम टाइम, अगर हम उसको फ्रीज भी करके रख रहे हैं मीट को, तो ये वाली स्पीशीज जो क्लेटोस्पोरियम हर्बिसियम है ये ग्रो हो जाती है मीट के अंदर, स्टोर्ड मीट के अंदर भी, और उसको ख़राब कर देती है। लेकिन ज़्यादातर जो फेमस स्पीशीज़ हैं जो हमारे फूड को पॉलिश करती हैं, स्पॉइल करती हैं, दैट इज़ का एस्परजिलस, राइजोपस, माइकोर एंड पेनिसिलियम। अब हम बात कर लेते हैं
पॉइजनस और टॉक्सिक फंजाई की, जो पॉइजनस होते हैं टॉक्सिक होते हैं, सम फंजाई आर डेडली पॉइजनस एंड इफ इंटीग्रेटेड दे मे प्रूव फैटल। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि जिनको खाने के बाद डेथ भी हो सकती है, और वो इतना ज़्यादातर इंटीग्रेट हो जाते हैं अगर वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहें कि वो फैटल डिजीज़ भी बन जाती है, यानी कि ऐसी डिजीज़ जिसका इलाज भी ना हो सके। ठीक है, जिसमें हो जाता है अमानिता फिलोइड्स, अमानिता वर्ना एंड बोलेटस सेटियस आर हाईली पॉइजनस। अदर पॉइजनस मशरूम्स इंक्लूड गैलेरिना, हेलीलोला, कैप्रीसियस, इनोसाइबी एंड फिसिलोसाइबी, ये साइलोसाइबी भी इसको कहते हैं। तो ये सारी स्पीशीज़ वो हैं जो कि टॉक्सिस होती हैं, जो कि पॉइजनस होती हैं। नेमेटोड्स की बात करें तो ये भी डिस्ट्रॉइंग फंजाई इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू डिट्रोमाइसीट साइट्रोमाइसीट, ठीक है, डिट्रोमाइसीट साइट्रोमाइसीट जाइगोमाइटिस और ओमाइसीट्स एंड बेसिडोमाइसीट डिस्ट्रॉय द नेमेटोड्स। ये सारे नाम बताए हैं फंजाई के ग्रुप्स के, जिनको आपको पता है जब मैं इसकी फंजाई की डिवीजन आपको पढ़ाऊंगी तो इंशाल्लाह बताऊंगी कि किस तरह से इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये सारे इसकी ग्रुप के डिवीजन हैं, वो किसको डिस्ट्रॉय करती है, नेमेटोड्स को। डिजीज ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स में कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स फ्रॉम मिनट मेयर बाय ऑफ एल्गी टू गैंड फॉरेस्ट ट्रीज आर अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉय बाय फंजाई। तो फंजाई के थ्रू ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द कॉमन फंगल डिजीज इंक्लूड स्मट्स, रस्ट, मेल्डेंट्स, ब्लाइंड्स पोटैटो जिसको कहते हैं, रोट्स एंड विल्ट्स। स्मट्स एंड रूस्ट आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग मैनी क्रॉप्स। तो ये जो स्मट्स होते हैं और रट्स होते हैं, ये आपस में मिलकर जो है किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्रॉप वर्थ एस एक्चुअल 100 crores ऑफ रुपीज इन द वर्ल्ड। डिजास्ट्रस इफेक्ट्स ऑफ रश पोटैटो फोमाइन ऑफ 1845। तो एक फंजाई जो था जो कि जिसने पटाटो को इस तरह से ख़राब और गलाया सड़ाया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सा नुकसान हुआ था। तो ये इरेज पटाटो के नाम से फेमस है, जो किसने इन्फेक्ट किया था, एक जो है डिज़ास्टर जो है ये इफ़ेक्ट था, जो कि पूरे किसी कंट्री की बात कर लें, किसी कंट्री में ऐसा हुआ था कि जो है ना उसने वहाँ का जो मेन फूड था, वो जो हर खाने में लेते थे, वो पोटैटो था, लेकिन उसमें जो पोटैटो में गया ये फंजाई ने डिजीज़ कर दी थी, जिसकी वजह से पोटैटो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, इतना उसको जो है उसको सीवियर उसको इन्फेक्ट किया गया था। 49 कोस बाय फाइटोफोरा इन्फेक्टेंस आर स्टिल नोन टू द वर्ल्ड। फाइटोफोरा इन्फेक्टेंस, फाइटोफोरा जो है ये इसी की है फंजाई है जो कि जिसने इसको क्या इन्फेक्ट किया था, और ये स्टिल इस तरह से जो है पूरी दुनिया में पाई जाती है, इसको ख़राब मतलब कि ये इन्फेक्ट कर देती है। टोबाको यील्ड रिड्यूस टू ओवर 60% इन नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट इन 1962 बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ फायरोनोस्पोरा तेबासिना। मतलब तेबासिना इसका ये पूरा इन्फेक्शन का नाम बताया हुआ है, जो कि टोबाको जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसको इन्फेक्ट कर देती है। ठीक है, एनुअल कॉफ़ी यील्ड इन श्रीलंका फिल फ्रॉम 42 million किलो टू लेस देन 3 million केजी इन 1819 बिकॉज इन्फेक्शन ऑफ हेमिलिसिया वेस्टेरिया। वेस्टेटेरिया मतलब कि यह हेमिलिसिया वेस्टेटेरिया था, जिसकी वजह से जो है कॉफ़ी की एक बड़ी मकदार में श्रीलंका में उसका लॉस हुआ था, किसकी वजह से, फंजाई की वजह से, कि उसमें ये जो फंजाई थी इसने जो है उसकी कॉफ़ी की जो क्वांटिटी थी, जो इस तरह से वो हर साल मिलती थी श्रीलंका में, उसको कम कर दिया था, उसकी इन्फेक्शन उसके इन्फेक्ट करने की वजह से, उसकी इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब आगे देख रहे थे हम इन कैल्प्टस मैजिनेटा द फेमस ऑस्ट्रेलियन टेम्बर ट्रीज इज स्टिल अटैक्ट बाय फाइटोफोरा फाइटोफिटेरा सिनेमस। तो स्टिल जो है अभी तक वहाँ पे ऐसी फंजाएँ हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो टिम्बर के ट्रीज़ को अटैक कर रही हैं, जो उनको जो है नुकसान पहुँचा रही हैं। ठीक है, अब हम फंजाई की बात करते हैं, फंजाई इन एयरक्राफ्ट फ्यूल, कि फंजाई एयरक्राफ्ट फ्यूल में किस तरह से वर्क करती है। फंगल माइसीलियम हैज़ बीन रिपोर्टेड ग्रोइंग इन स्टोरेज टैंक
and fuel tank of aircraft containing kerosene based oil. ठीक है, तो जो kerosene based oil को ख़राब कर रही है species वो कौन सी है? Amorphothisa racinia. ठीक है, Amorphothisa racinia. तो Amorphothisa racinia जो स्पीशीज़ है वो किसको ख़राब करेगी? ये जो एयरक्राफ्ट में फ्यूल जो स्टोरेज कर लेते हैं उसको जो है ये फंजाई की स्पीशीज उसको भी इन्फेक्ट कर देती है. द फंगल हाइफी मे बी प्लग द पाइप्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड माइट बी डेंजरस स्पेशली ड्यूरिंग फ्लाइट. तो इस तरह से अगर वो पता ना चले और वो उसी फ्लाइट के उसी फ्यूल को लेकर वो जो है वो फ्लाइट उनकी चले जाए और जो है वो एरोप्लेन उड़ना स्टार्ट कर दे तो फिर क्या ये एक बहुत ही डेंजरस हो सकता है ड्यूरिंग फ्लाइट के लिए. ठीक है, वुड रोटिंग फंजाई जो लकड़ी को ख़राब करती है वो भी फंजाई होती हैं. देखें, मैनी वुड रोटिंग फंजाई कोस अ लॉट ऑफ मॉनिटरी लॉस. गुड टेम्बर businessmen are well aware of the danger of dry rot and wet rot in construction timber. Dry rot is caused by Serpula lerimoas and wet rot by Coniofora cerebella. तो ये सेरेबिला, ये जो दो चीज़ें बताई गई हैं दो स्पीशीज़ के नाम बताएं फंजाई के जो कि लकड़ी को ख़राब कर देती हैं, वुड रूटिंग फंजाई जिनको हम कहते हैं. तो ये आज का जो हमारा था ये डेमेरिट्स थे, मतलब के नुकसान जो कि फंजाई के थ्रू होते हैं. तो इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स देन आई विल बी आंसरिंग. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.